हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कैंपिलो दुनिया में। तो गाइस, हम वापस से आ गए कार पार्ट्स सेल सिमुलेटर की एक और नई जबरदस्त एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में मैं ट्राई करूंगा कि कुछ अलग मैं करूं, क्योंकि अब तक मैं कार ही सेल कर रहा था और रेवेन्यू को अर्न कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करूँ जिसमें बहुत सारा प्रॉफिट हो एक बार में। तो उसके लिए मुझे पास 84,000 तो है, लेकिन आज सिर्फ ऑक्शन खुला हुआ है और ऑफिस क्लोज है, डर्टी भी है और कुछ पेड़ भी बिल है। तो काम करते गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी को सीधे लेके चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। वहाँ पे कौन कौन से कोई काम बचे हैं या नहीं, गाड़ी की स्पीड बढ़ा के देखता हूँ गाइस। और इतने में हम लोग आगे क्या, अच्छा लास्ट वाले एपिसोड में एक अपडेट आया था, तो मैं देखता हूँ कि क्या वो अपडेट में कुछ यहाँ पे चेंज किया हुआ है या नहीं। कुछ ऐसा नया तो नहीं लग रहा है और एक राउंड मार लेंगे। यहाँ पे एक अच्छी गाड़ी है, वो भी देख लूंगा। आगे देख लेता हूँ कुछ नया गाड़ी भी आया है या नहीं। ये आराम से भाई, ठोक मत देना। तो इस बगल जाए, आई थिंक उधर तो खत्म हो जाता है मार्केट, इस बगल आके मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे गाड़ी कोई खास नहीं है, मतलब सुपरा ओपरा टाइप की गाड़ी थी, उसको मैं सोच रहा हूँ लेने का, क्योंकि एक बार में महंगी गाड़ी आ जाए तो बहुत मजा आएगा। यहाँ पे ऐसी कोई गाड़ी दिख नहीं रही है, एक ट्रक है और ये वाला BMW वाला प्रॉफिट तो कराता है, पर आज मैं सोच रहा हूँ कोई जबरदस्त गाड़ी मिले, कोई ऐसा सुपर कार टाइप का मिले, तब उसको सेल करने मजा आएगा। आई थिंक मुझे लगता कि आज में कोई गाड़ी सी आई हुई है और ये रगड़ दिया क्या, लग तो रहा है थोड़ा सा रगड़ा गया है, थोड़ा सा धुआं निकला। ये थोड़ा अपडेट आया है नया, पता चल रहा है कि हाँ मेरी गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस आए। तो मैं ए से चलता हूँ डायरेक्ट। वैसे गाड़ी का भी अगर गड्ढे वड्ढे में गिर गई तो अपडेट की वजह से वो थोड़ा सा जो जर्क आ रहा है गाड़ी में वो बता रहा है, धुआं लग रहा है या कुछ अप डाउन या कहीं लड़ रहा है। तो बहुत अच्छा अपडेट है ये वाला। तो लो गाइस, हम लोग आ गए अपने कार मार्केट में। यहाँ पे गाड़ी में सिंपली पहले पार्क कर देता हूँ, उसके बाद ऑक्शन जो है वो 1 बजे से स्टार्ट है। तो फटाक से मैं ये सब चीजें सही कर लेता हूँ, तब मैं जाकर देखता हूँ वहाँ पे कि क्या ऑक्शन में कोई जबरदस्त गाड़ी आई है नहीं। अगर आएगी तो मैं एक गाड़ी बढ़िया वहाँ से खरीदूंगा जरूर। 12 तो वैसे बजी गया है गाइस। एक मैंने कहीं ट्रिक देखा था गाड़ी पता करने का, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं वैसे देख पाता हूँ या नहीं। वैसे भीड़ बहुत लग गई है गाइस, क्योंकि कुछ देर में आने वाली है, पता नहीं कैसे देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। आई थिंक ऐसे देख नहीं पाएगा, ठहर गया है वो चीज। तो चलते हैं, गाड़ी का वेट करते हैं कोई गाड़ी आई है बढ़िया या नहीं। पहली गाड़ी कोई आई है गाइस, इसमें कुछ खास दिख रहा है। ऐसी गाड़ी बहुत जबरदस्त लग रही है, इसको चलाने में बहुत मजा आएगा। 77,000 जा रहा है। और ये क्या आ गया, ये गाड़ी सेल हो गई 70,000 में, जो कि बहुत जबरदस्त लग रही थी, लेना चाहिए था ये वाला। पर देखता हूँ नेक्स्ट क्या क्या आ रही है। यहाँ गाइस बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा दूरी चलते हैं। क्या सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, इसका कुछ ड्रेस बदला है क्या है? ये माइक फोन लगाता था पहले या नहीं मुझे नहीं पता। इसे $300 का टिकट बुक हो रहा है और ये पीछे देखिए सैंडविच ये सब चीजें भी आ रहा है। क्या मुझे खाने को मिलेगा क्या? दूसरी गाड़ी क्या आ रही है, ये गाड़ी भी कुछ नई टाइप की है। और ये आज सब गाड़ियां जमीन पे धस के क्यों दिखा रही है, इतना नीचे नीचे है। इसकी रेटिंग भी 18,000 से लग रही है, तो कुछ खास नहीं है इसका दाम। लास्ट वाली गाड़ी देखूंगा, उसका वेट है मुझे। अगर लास्ट वाले में कोई जबरदस्त गाड़ी आ गई तो मैं उसको पक्का मैं खरीदने कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा महंगी आ गई तब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ गाड़ी खरीदने का। लास्ट गाड़ी आ गई गाइस, और ये आई है सुप्रा। और इसका स्टार्टिंग रेट कितना है, आई थिंक 50,000 से। मैं ट्राई करता हूँ एक बार, दीजिए सर। ऑलरेडी परचेस दिखा रहा है और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। और ये मैं बीट लगा दिया, मैं भी अपना, मैं फर्स्ट टाइम मैं बीट लगा रहा हूँ। गाड़ी 63,000 जा रही है। सुप्रा गाड़ी क्या मैं खरीद पाऊंगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। फाइनली मैंने गाड़ी एक खरीद ली। वो गाड़ी मेरी कहाँ गई, अच्छा उधर खड़ी हुई। थैंक यू, पहली बार आप एक अच्छा काम किए, मैंने एक जबरदस्त गाड़ी खरीद ली जिसका नाम है सुप्रा। ये मेरी गेम सीरीज का पहली सुपर कार है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। अब ये तो नहीं पता इसको मैं कितना दिन चलाने वाला हूँ, कितना बेचूंगा। वो वाली गाड़ी को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ उसी तरह। इसका मैं जा रहा हूँ अभी कुछ देर के लिए टेस्ट ड्राइव करने के लिए गाइस, और देखता हूँ इसमें क्या क्या खास बात है। कैमरा एंगल ऐसे चेंज कर लेते थोड़ा सा, ये वाला कैमरा एंगल बेस्ट है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ओह माय गॉड, इसमें तो स्पीड गजब की है। मैं एक काम करता हूँ गाइस कि इस गाड़ी को लेके मैं चलता हूँ रेस लगाने के लिए, देखता हूँ कि मैं इस गाड़ी से जीत पाता हूँ या नहीं। मैं अपनी SUV से तो रेस लगा चुका हूँ, इस गाड़ी से मैं कभी रेस नहीं लगाया हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी आई है रेस लगाने के लिए चेक करता हूँ तो। और ये सुप्रा मेरी गजब लग रही है। वैसे इसका इंटीरियर नहीं देखा मैंने गाइस, तो ये देखिए इसका इंटीरियर जो कि बहुत जबरदस्त लग रही है, बाहर से और अंदर से एकदम सुपर प्रीमियम है। मजा आ गया इस गाड़ी को देख के। तो अभी मैं बाहर निकलता हूँ और इन लोग से पूछता हूँ, ओ शिट, ये मस्तांग लेके आया रेस करने के लिए, इससे तो मुझे डर ही लग रहा है। और ये कोई बंदा है BMW, नहीं ये BMW नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी है। इसका मैं देखता हूँ क्या रेस लगा रही है। $749 का है इसका, और इसका कितने का है, इसका $97 का है। ये बकवास है। और इसका मस्तांग वाले का 717 है।
इसी से मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि कितना मजा आता है इसके साथ रेस करने में। ठीक है भाई, आ जाओ तुम लाइन पे। फाइनली गाइस, तो मैं आ गया अपनी सुप्रा लेकर रेस करने के लिए। दोनों गाड़ियां लग गई हैं। तो गाइस अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है, इंजन को आई से शिफ्ट से गियर अप होगा, कंट्रोल से गियर डाउन होगा, तो गियर डाउन करना नहीं है और आर्ट से नॉज दबेगा। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और ये इस गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो मैंने एक शिफ्ट दबा के यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। ठीक है, 3, 2, 1 गो। ओ शिट, मैं जीत गया। आई थिंक 3 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है मुझे। और ये गजब का आरपीएम के साथ मैं अपनी सुप्रा को लेके जीत गया। मैंने $782 जीत लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। टोटल मैंने $1565 जीत लिया। सुप्रा गजब की रेसर निकल गई गाइस, तो ये बहुत मजा आ गया आज के रेस में। इस गाड़ी को मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैंने वाकई में पैसा बहुत लगा दिया है, लेकिन इस गाड़ी को बेचने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं इस गाड़ी को थोड़ा चलाने वाला हूँ, थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड करूंगा। अभी तो मेरे पास कुछ खास पैसे नहीं है, आई थिंक मेरे पास 11,000 है। और ये बंदा भी मैं इसे जीत सकता हूँ, पर ये थोड़ा डेंजरस लग रही है क्योंकि ये मस्तांग है, तो थोड़ा डरावना है। इस वाले से कुछ ज्यादा बैट नहीं लग रहा था, $127 है, इसलिए इसके साथ मैं नहीं खेलूंगा। वैसे ये गाइस बहुत मजेदार है, गजब की ड्रिफ्ट भी मार रही है। और ये लड़ना मत, ओ शिट, हम सोचे कि वो टूटेगा लेकिन वो टूटा ही नहीं, उल्टी मेरी गाड़ी टूट गई। और आराम से भाई, अभी मैं काम करता हूँ कि जो भी थोड़ा इसमें जर्किंग आया है इसको मैं बनाता हूँ और इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को रिपेयर लगा देता हूँ, जो भी इसकी रिपेयरिंग बाकी है। ऐसे यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया, इंजन ऑफ कर दिया और यहाँ पे मैं गाड़ी से रुक गया। सर कितने का आया? 160 का बम्पर, ऑफकोर्स जानते थे बम्पर ही टूटा होगा इसका। और क्या इसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं गाइस? इसका कलर तो ठीक लग रहा है, पर कलर कुछ और अलग करने की कोशिश करूंगा। नीचे से पूरा एकदम प्लेन है, अंदर कैसे रिपेयर कर रहा है यहाँ पे, जबकि पूरा एकदम प्लेट लगा हुआ है। और इसके अलॉय व्हील्स वाइट है, ठीक तो लग रहे हैं वैसे, वाइट अलॉय व्हील्स, वाइट गाड़ी, पर थोड़ा अलग मैं चेंज करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा इसको। अभी मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ और इसको निकालता हूँ यहाँ से। पहले मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखता हूँ कि इसके पे क्या हो सकता है। ऐसे यहाँ पे गाड़ी लगा दिया इस तरह से, थोड़ा पीछे, यहाँ से इंजन बंद करो। रुक जा भाई, कहाँ जा रही है गाड़ी मेरी? ओके, तो गाड़ी रुक गई, बंदा यहाँ पे है। तो इसमें डिफॉल्ट किट लगा हुआ, रेसिंग किट है, ड्रिफ्ट किट है, तो क्या लगाना चाहो, रेसिंग किट लगाऊं या ड्रिफ्ट किट? वैसे सुप्रा ड्रिफ्ट भी अच्छा करती है, तो रेसिंग किट लगा दे क्योंकि ड्रिफ्टिंग बहुत ज्यादा करेगी। एक रेसिंग किट में लगा दिया, ठीक है। ABS सर्विस में लगा होगा पहले से ही किट्स में। अब सस्पेंशन में ज्यादा उठाना नहीं, सस्पेंशन बेस्ट है। उसके बाद लाइट्स में कैसे लाइट्स लगेगा, इस तरह से लगा देता हूँ, थोड़ा सा नियॉन लाइट लगेगा, जैसे येलो भी है, ये बहुत प्यारी लग रही है, इसको अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद लाइट्स हो गया, प्लेट में बहुत सी प्लेटें हैं, तो ये वाले मैं लगा देता हूँ, ये भी ठीक लग रहा है। और प्लेट हो गया, व्हील्स ऐसे तो देखने जाए तो बहुत सारे व्हील्स है इसमें, अच्छे लग रहे हैं ये वाले जो मेरे व्हील्स लगे हुए हैं। पर जैसे 5,000 का ये भी अच्छा लग रहा है, पर ये काफी महंगा है। ये भी व्हील अच्छे हैं, पर ये भी महंगे बहुत ज्यादा है, तो क्या करूंगा, इस पे व्हील लगा दूं या फिर रहने दूं इसको? पहले वाला जो लगा है, ये वाला भी 5,000 का है, महंगा लग रहा है। ये 3,000 का है, पर ठीक है, पर उतना मजेदार नहीं है। ये वाले व्हील अच्छे लग रहे हैं, जो जितने भी प्यारे व्हील्स है सब महंगे महंगे। वैसे ये वाले व्हील अच्छे लग रहे हैं, इसमें मैच कर रहे हैं बढ़िया। ये तो ऑलरेडी पे लगा हुआ था, $1500 का है, पर इससे बड़ा टायर में लग रहा है। और ये लगा देखिए 3,000 का, व्हाइट व्हील मजा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ अलग मिलता तो ना मजा आता। तो गाइस मैंने ये वाला व्हील डिसाइड कर लिया, इसी को मैं लगा लेता हूँ, ये ठीक भी लग रहा है। इसके साथ कोई भी गाड़ी का कलर भी करेंगे तो भी अच्छा लग रहा है। और ये रात हो गई क्या? ओ शिट, ये सब रात हो गई इतनी करने में। बाकी भी चीजें गाड़ी में अपडेट आई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे करते हैं। उसका जो इंजन सस्पेंशन था, पता है क्या क्या सब उसमें आया था, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा वो। तो अभी रात हो गई गाइस, मैं काम करता हूँ कि अपने इसी गाड़ी से जाता हूँ घर की तरफ, वहां पे मैं सोता हूँ, उसके बाद तो फिर मैं आता हूँ, रात को भी चला लूंगा इस गाड़ी को। और इस गाड़ी का पहले लाइट ऑन कर देते हैं। ये गाड़ी देखिए गाइस, ब्लू कलर की, जो कि बहुत प्यारी लग रही है लाइट। तो अभी चलता हूँ इसी गाड़ी से मैं और फुल स्पीड में मारता हूँ, 123, 120। ओ माई गॉड, अभी मेरी गाड़ी लड़ते लड़ते बची है एकदम साफ साफ, और इसकी गजब की स्पीड है, 120, 130 तो ऐसे पहुंच रही है कि पूछो मत। बिना ब्रेक का मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पर ठीक ठाक चल रही है। आ गया गाइस मैं अपने कंटेनर में, सुप्रा लेके आया हूँ मैं अपने कंटेनर में रहने के लिए, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है। तो गाड़ी को मैंने इंजन ऑफ कर दिया और यहाँ पे गाड़ी लॉक है, कोई चोरी तो नहीं करेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ सोने के लिए, गुड नाइट गाइस। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, एक प्यारी सुबह हो गई हमारे इस वापस से कार फॉर सेल की दुनिया में, जो कि आज खुलने वाला है। कार मार्केट ऑफकोर्स खुला ही है। मैं जाता हूँ इधर से ही गाड़ी को देखते हुए कि वहाँ पे कोई गाड़ी आई है अच्छी कि नहीं, और अगर गाड़ी आई भी होगी तो मैं वहाँ पे ट्राई करूंगा कि कुछ खरीदने का। मेरे पास तो पैसे 7,000 है, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे 7,000 का कोई गाड़ी अच्छी आएगी। तो मैं अभी आ गया हूँ और यहाँ पे गाड़ियाँ कुछ अच्छी अच्छी लग तो रही है,
देखता हूँ कि मेरे बजट में क्या क्या मिल रहा है। ये वाली भी गाड़ी मिल जाएगी तो कुछ प्रॉफिट हो सकती है। ये वाली तो वहाँ पे आई थी जो कि कुछ नई गाड़ी लग रही है, अपडेट में आया है शायद। ये कौन सी गाड़ी है इसके बारे में पता करते हैं। तो सर आपकी कौन सी गाड़ी है? ह्युंडई फैंडा 22,000 का रेट लगा रहा है। तो गाड़ी अच्छी है लेकिन, तो SUV है ये, BMW है, सस्ता मिल जाएगा क्या ये BMW? देखते कितने देर ये। मैडम आपकी गाड़ी बहुत डैमेज है, 49,000 फिर भी लगा रही हैं या स्कैम करा रही हैं। इनकी भी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज है और आपकी गाड़ी में भी 43,000 रुपये, इतना महंगा महंगा दे रहे लोग। ये भी महंगी होगी, ये भी महंगी होनी चाहिए। हाँ इस वाली गाड़ी का भी रेट पूछ लेता हूँ। इसी गाड़ी का रेट ठीक ठाक है, 6,900 का है। बार्गेनिंग करेंगे तो ये गाड़ी 10,000 में बिक जानी चाहिए। और ये वाली गाड़ी BMW है, अच्छा खासा रेट निकालती है, 1 सीरीज की है। ये 11,000 की है, ये नहीं दे पाएगा 7,000 में। इस वाली की देखिए BMW कितना रेट है इसका, ये 9,000 की है। ठीक है मेरे पास 7,600 है, मैं इनसे 7,000 का बार्गेनिंग करके देखता हूँ, अगर देते हैं तो ठीक है। 60,000 मैंने लगा दिया और सर आप 7,000 ले लीजिए, गाड़ी मुझे दे दीजिए। नहीं माना, 60,000 100 लगा देते हैं, 200 कर देते हैं सर, मान जाए 7,200 में, मान जाओ नहीं मान रहा है तो 7,300 लास्ट है सर, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको देना दीजिए तो फिर मेरे पास गाड़ी का ऑप्शन बहुत सारा है। आई थिंक ठीक है, नहीं बेचेगा, आप रखिए अपनी गाड़ी। ये वाली गाड़ी का रेट देख लेते हैं कितना है। इस वाली गाड़ी का भी रेट अच्छा खासा मिल जाता है, वैसे ये गाड़ी महंगी होगी क्योंकि ये हैचबैक है, 11,000 है। ठीक है वही वाली जो लास्ट वाली गाड़ी थी, आया हूँ तो एक गाड़ी में लेके ही जाऊँगा कम से कम, इस गाड़ी को मैं ले लेता हूँ। और सर ने गाड़ी 6,900 लगाया था, मेरे पास 7,000 है, तो बार्गेनिंग करते हैं इनसे 6,000 का लगा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं करेंगे कम, मुझे पता है। सर आप 6,000 रुपये ले लीजिए, गाड़ी मुझे दे दीजिए, थैंक यू। तो फाइनली गाइस ये गाड़ी मेरे पास आ गई है, आई होप कि मुझे ज़रा नुकसान न मिला हो। और इस गाड़ी को मुझे भेजना होगा वहाँ पे, तो कुछ ऑप्शन आते हैं यहाँ पे भेजने के लिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था आई थिंक ऐसे कार से, ये वाला रिपेयर 2 वाला, रिपेयर 1 वाला, तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है मेरी गाड़ी रिपेयर पे करने गई, मैं फटाक से चलता हूँ अपने कार डीलरशिप पे और वहाँ पे मैं इस गाड़ी को रिपेयर करा देता हूँ। और इससे भी कुछ मॉडिफिकेशन कराना था, इसको मैं देख लेता हूँ। गाड़ी की पिकअप देख रहे का इस बहुत फास्ट है और इसकी गजब की ब्रेकिंग है, इसे लगाने में बहुत मजा आने वाला है। मैं काम करता हूँ, इस गाड़ी को मैं पहले यहाँ पे लगा देता हूँ पेंट वाले में, क्योंकि मुझे इसको पेंट भी कराना है इस तरह से। और यहाँ पे मैं रोक देता हूँ इंजन बंद करके, पहले मैं उस गाड़ी को मैं रिपेयर पे लगा देता हूँ। हाँ सर आप इस गाड़ी को रिपेयर लगा, कितना खर्चा इसमें आया? काफी खर्चा है, मिला जाता कि मुझे उतनी गाड़ी पड़ गई जितना को लिया था, डिस्काउंट करने कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए सर आप इस गाड़ी में थोड़ा सा पेंट कर दिए अच्छा सा। गाड़ी का पेंट कलर कौन सा रखेगा इस? तो गाड़ी में कलर तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये ग्रीन भी है और पिंक है, अलग अलग सब कलर बहुत सारे हैं। सुपरा का वैसे ज़्यादातर कॉमन कलर तो येलो ही आता है, पर मैं येलो नहीं लगाऊंगा, कुछ अलग कलर, रेड भी अच्छा ही लग रहा है गाइस, तो रेड को लगाना चाहिए या नहीं? मैं और कोई कलर देखता हूँ, वैसे ये ब्लू वाला लगा देंगे तो टार्जन की सुपर कार लगेगी, जो कि ये बहुत अच्छी लग रही है कलर। ये वाली कलर गाइस मुझे कुछ ठीक लग रही है, इस कलर को मैं ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि ये ब्लू कलर है, इसको मैं पेंट कर देता हूँ। और इसके पार्ट्स में तो कुछ है नहीं, पॉलिश में देख लेता हूँ क्या करूँ, इसकी स्मूथनेस बढ़ा दूँ या मैट फिनिश कर दो? मैट फिनिश भी तो अच्छा लगता है, मेटालिक जैसे ये है पूरा डार्क, तो उतना भी मैट नहीं करते हैं, इसकी स्मूथनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, गाड़ी थोड़ी ग्लॉसी आएगी तभी मजा आएगा। इस तरह से गाइस ये भी ठीक लग रहा है। और ये पॉलिश करने का $3,250 ले रहा है, कुछ ज्यादा ही। यू कैन ओपन स्किल फॉर लोअर प्रिंट प्राइस, इसका रेट कुछ ज्यादा नहीं पड़ा क्या? आपने नोटिस ही नहीं किया, मेरा पैसा सब खत्म हो गया। मेरे पास गाइस एक स्किल पॉइंट है, मेरे पास तीनों बार्गेनिंग के हैं। ये क्या है, कस्टमर आर लेस एंग्री नाउ, अच्छा मैं ज्यादा ज्यादा मैं करा सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, कार के शो डिटेल्स देख सकता हूँ मैं, लो डैमेज आएगा तो कम से कम, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं करा लूँ तो आप तेजी से गाड़ी साफ करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ियाँ बहुत सारी है नहीं, तो मैं काम करता हूँ मैं यही लगता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा ज्यादा गाड़ियों को मैं सेल करना है, जितना कम पैसे पाऊंगा मेरे लिए अच्छा है। तो ये गाड़ी तो मेरी बन गई है, उस गाड़ी को मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे लगाने के लिए। रिपेयर तो हो गई है, इस पर कुछ करना तो है नहीं, बस इसको थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे और इस गाड़ी को सेल लगा देंगे, क्या कि मेरे पास पैसा फिर से आया वापस से। और रिवर्स वाले में भी ये भी अच्छा परफॉर्म दे रही है गाइस। ओ शिट, मैंने क्या मार दिया अभी को? तो गाइस मैंने यहाँ पे इस गाड़ी को लगा दिया, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर देता हूँ इस तरह से, और इसका रेट मैं लगा देता हूँ सबसे पहले। सिट्रोएन ए नाम है इसका, ये 6,800 की पड़ी थी लगभग, मैं इसका 10,000-11,000 दाम लग देता हूँ। और ये मैंने गाड़ी का रेट मैं लगा दिया यहाँ पे, अब इस पर थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है, फटाफट मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। गाड़ी तो मैंने गाइस क्लीन कर दी, गाड़ी का वही जो कलर स्टॉक कलर था वही मैंने रखा हूँ, सिल्वर कलर भी गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है। कस्टमर भी आ गए और ये सर आप उधर से कहाँ आ रहे हैं? फटाक से पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे रेटिंग डाउन हो जाएगी।
सर अब बताइए क्या रेट लगाना चाहेंगे आप? गाड़ी बहुत प्यारी है, छोटी सी है, सिल्वर कलर की गाड़ी, बहुत खूबसूरत है, रेट भी कुछ ज्यादा है नहीं आपके लिए मैडम, बहुत बेस्ट गाड़ी है। 11,000 रुपए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पैसा मुझे दे सकती है। कैन यू लोअर इन 9,254? ओके, तो रेट भी ठीक ठाक मुझे दे रही है, आई थिंक 10,000 तक काम हो जाना चाहिए। इनसे बात करते हैं। सर आपके लिए गाड़ी बहुत बेस्ट है, ऑफिस जाइए, घूमिए फिरिए, मस्त करिए, और उनमें 10,000, ये 10,000, देखा मैंने कहा ना 10,700, तो इसको मैं 11,000 फिर से मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये दे देते हैं तो ठीक है, ले जाइए अभी 11,000 में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, क्योंकि बताया गाड़ी की रेट 11,000 लगी है। देखा 11,000 को बोले नहीं, वो भी बहाना करते हैं सब, मैंने 11,000 लगाया सब बिक गया, वापस मेरे पास 11,000 आ गया, और वो बड़ी गाड़ी मैं अभी कहाँ रखा था सुप्रा को, इसको मैं यहाँ पे वापस लाता हूँ और फटाक से चलता हूँ कोई एक और गाड़ी लाने के लिए, वो जो BMW रखा था मैंने लास्ट टाइम, उस BMW को ट्राई करता हूँ। और ये गाड़ी में बहुत ज्यादा पावर है, वैसे देखना पड़ेगा, इस गाड़ी को मैं यहीं पे लगा देता हूँ अभी टेम्पररी में। ओह शिट, फिर से गाड़ी को मैंने लड़ा दिया, इसकी कंट्रोलिंग ना इतनी फास्ट है कि पूछो मत। तो मैं अभी टेम्पररी 100 पीस के लिए अपनी इस कार मार्केट में गाड़ी को मैं लगा दिया हूँ, यहाँ पे खड़ी रहेगी तो अच्छी रहेगी, वापस कहाँ जा रही है पीछे। मैं चलता हूँ अपने इसी बस स्टेशन से कार मार्केट में और वहाँ पे कोई गाड़ी और लेके आता हूँ। मेरे पास 11,000 है गाइस, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ, इसको खरीदने का कितना इसका दाम लगाया थे लास्ट टाइम में ध्यान नहीं आ रहा है, 40,000 है, रहने दीजिए सर, इसी में से दोनों को ले लेता हूँ जो सबसे सस्ती होगी। इसका क्या दाम है? BMW सीरीज 1 डैमेज 0 दिखा रहा है, 11,600 है इस वाले का, इसका भी डैमेज 0 है, ये 9,200 दे रहा है, तो ठीक है इसी को मैं ले लेता हूँ, और मैं बार्गेन नहीं किया होता तो लास्ट टाइम तो मेरी गाड़ी मुझे मिल गई होती। इसको मैं फटाक से भेज देता हूँ रिपेयर वाली शॉप पे, क्योंकि शायद लग रहा है थोड़ा सा डैमेज है, ये गाड़ी यहाँ पे रिपेयर के लिए छोड़ देता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कार, नाइस, तो मैं इस गाड़ी को वापस में बैठ जाता हूँ और इसको सिर्फ क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करके इसको फटाक से मैं सेल लगा दूंगा। आई होप मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे, 9,000 की है, कम से कम 15,000 में बिक जाए तो अच्छी रहेगी मेरे लिए। आते हैं अपने सुप्रा में और वापस चलते हैं एक जबरदस्त रेस खेलने के लिए, बस इसकी स्पीड गजब की है गाइस, मानना पड़ेगा। इसमें अगर और नाइट्रस लगा देते हैं तो ये, ओ शिट, ब्रेकिंग इसकी सही नहीं है गाइस, ब्रेक सही नहीं लग रहा है, तो फिर क्या बताए, 2 बार मैंने डैमेज कर दिया इस गाड़ी को, पर क्या कर ही सकते हैं। ओ शिट, क्या आई है यहाँ पे? ओके, ऑडी TT आई है, तो वापस से एक आई है मस्तांग का रेस $657 का है, और ये ऑडी TT आई है, इनका $558 का बेट है, और ये डब्बा लेके आई है, तो 657 लगा दे क्या इस रेस, लगा लेते हैं गाइस, आज देखते हैं कि क्या मैं इस गाड़ी को हरा पाता हूँ या नहीं। आ गए गाइस तो हम लोग अपने रेस ट्रैक पे, और एक साइड है सुप्रा और दूसरे साइड है मस्टैंग, दोनों की पावरफुल इंजन है, दोनों सेम पावर के लगभग है, देखता हूँ कि किसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है। गाड़ी की इंजन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा आगे लाते हैं, कंट्रोल से आगे लाते, ओह शिट, शिफ्ट से आ जाएगा ना, शिफ्ट से आगे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, 3, 2, 1, ओह शिट, मैंने बहुत अच्छे से उसको पछाड़ दिया, ओह शिट, मैं उम्मीद एकदम नहीं कर रहा था कि मैं उस गाड़ी को हरा पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से शिफ्टिंग की और फाइनली मैंने मस्तैंग को हरा दिया। गजब का रेस था गाइस, आज दोनों रेस गजब के थे, इतनी सुपर फास्ट निकली सुप्रा कि सब पीछे हो गए। तो गाइस मैं वापस आ गया, 2 गाड़ियां और आ गई हैं, इसका भी रेस उतने का है, पर रेस करेंगे नहीं आएगा गाइस, क्योंकि आज का रेस काफी हो गया, ये रेड लाइट अच्छी लगती है इसमें। तो चलते हैं गाइस हम लोग वापस से अपने घर की तरफ, लाइट जला लिए, बाय, आप लोग अब जाइए, रेस कितना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त रेस करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही करते हैं, आई होप यू गाइस आल्सो एंजॉयड दिस वीडियो, तो लाइक देना भूलना, सब्सक्राइब तो करके जाना, प्लीज सपोर्ट एंड शेयर कीजिए, कीप स्माइलिंग, थैंक यू। नेक्स्ट वाले एपिसोड में और भी जबरदस्त गाड़ियां, सुपर कार सब अच्छी अच्छी आई है, उस गाड़ी को मैं ट्राई करूंगा खरीदने का, खरीद के उसको सेल करूंगा, देखता हूँ उससे कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ।